स्वागत है पीटीसी न्यूज विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह तो देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे से विचार चर्चा लैके तो सामने एक बार फिर तो हाजिर हाँ। अज मुल्क भर दिया सब तो वड्डिया अखबारा, मैं खाली सूबे दी नहीं कह रहा, मुल्क भर दिया कह रहा, मुल्क भर दिया सारिया वड्डिया अखबारों के तो पिछले कुछ दिनों वड्डे वड्डे इश्तहार जरूर देखने को मिलते होने, जिस लिखा जा रहा वड्डा सारा कैपिटल लैटरस लिखा जाता है 70 साल बनाम 7 महीने। यानी कि 7 महीनों के असी वो काम करके दिखा दिता जो 70 सालों के पोलीटिकल पार्टियां ज समय समय दरकारा पंजाब के लिए नहीं कर सकिया। जहाँ इश्तहार दिता जा रहा पंजाब की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार वालों वो अपने काम गिणाते हैं 7 महीनों के असी आह काम किए हैं, 7 महीनों के असी आह दशा तो दिशा पंजाब की बदली है जो कि पिछलिया सरकार 70 सालों के नहीं कर सकिया। ठीक इस तरह का ही दावा कुछ महीने पहला, कुछ महीने नहीं एक महीना पहला ही फाइनेंस मिनिस्टर जड़े ने साडे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पंजाब के खजाना मंत्री चीमा साहब वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है हरपाल सिंह चीमा वालों, और दावा किया जाता है कि देखो 7 महीनों के कितना वड्डा बदलाव असी किया, असी जी एस टी का मालिया वधाया, असी एक्साइज पॉलिसी दे विचों वादा किया, और दावा तो इतों तक किया गया कि 22% का जी एस टी है जिहड़ा वो असी वधा के लैके आंदा। नाल ही उन्होंने भी कहा कि इत्थे ही बस नहीं, असी तो कर्जे की पंड भी है जिहड़ी हौली करनी शुरू कर दिती है, असी कर्जा उतारना भी शुरू कर दिता। बड़े लोगों को माण होया फकर होया कि देखो 7 महीनों के ही सरकार ने वो काम करके दिखा दिते ने जो पिछलिया सरकार 70 सालों के नहीं कर सकिया। पर कैग की रिपोर्ट जो कि अज प्रकाशित हुई एक्सक्लूसिव सब तो पहले पीटीसी न्यूज़ ने वो कैग की रिपोर्ट दिखाई, उस कैग की रिपोर्ट ने जो खुलासे किए उसने सबनों हैरान करके रख दिता कि किवें जनता की कचहरियों के बह के वड्डिया वड्डिया प्रेस कॉन्फ्रेंसा करके ट्वीट करके भी तुम झूठ बोल सकते हो। वो लीडर जिन्हों के उत्ते भरोसा जताया जाता है, वो लीडर जिन्हों सपुरदगी दी जाती है पूरे पंजाब की कि तुम साडा जिहड़ा सूबा चलाओ और उस सूबा चलाते हुए किवें झूठ बोल सकते हैं। हुण यह रब जाने कि वह झूठ बोल रहे हैं या अंकड़े उन्होंने गलत दिते गए अफसरों वालों, गलत अंकड़े दिते गए जिहड़े उन्होंने मीडिया के सामने रखे, जिहड़े उन्होंने पंजाब की जनता के सामने रखे। पर जो कैग रिपोर्ट है, जो कैग ने अंकड़े दिते ने, वो अंकड़े जो पंजाब सरकार के अंकड़े ने उस तो बिल्कुल अलग ने, थोड़े बहुत भी नहीं बिल्कुल अलग ने। जे पंजाब सरकार की रिपोर्ट प्लस वाल जा रही है तो कैग की रिपोर्ट माइनस वाल जा रही है। वो कैग की रिपोर्ट जिहड़ी कि बड़ी स्टीक रिपोर्ट मनी जाती है पूरे मुल्क दे विच वख वख सूबे नू, वो कैग की रिपोर्ट है जिहड़ी वो दित्ती जाती है जिस दे विच ये दस्या जाता है कि थोड़ी कमाई किन्नी हुई है, थोड़ा मालिया कित्थे घटिया, थोड़ा मालिया कित्थे वधिया, थोड़े खर्चे कित्थे वधे ने, थोड़े कर्जे किन्ने वधे ने, थोड़े कर्जियां दे व्याज किन्ने वधे ने जां घटे ने, वो सारी तमाम जानकारी है जिहड़ी वो दित्ती जाती है। अज्ज वो कैग की रिपोर्ट भी साडे कोल हैगी है, वो कैग की रिपोर्ट दे एक एक करके तुहानू अंकड़े भी दसांगे और ये दिखाने की कोशिश करांगे कि पंजाब की फाइनैशियल स्थिति है जी वो कितने खड़ी है। लीडर के बयान देने बड़े सौखे ने, दे के निकल जाते हैं, पर जो तो उसको प्रूफ करना पैदा तो सवाल बहुत व्डा खड़ा हो जाता। अच्छ सा अंकड़े ने, वो तथ्य ने जोड़े कैग ने पेश किए हैं कि पंजाब किस तरातल से खड़ा है, और जो दावा किया जा रहा है कि मालिया वध रहा है पर मालिया नहीं वध्या। सब तो पहला कैग की रिपोर्ट के आमदन तुहानू दसदे आ कि घटी है तो की वधी है, ध्यान नाल सुनन वाली गल है जो जो दावे किए जाते सी वो दावियां तो बिल्कुल उल्ट किवें। कैग की रिपोर्ट के आमदन की कहती है, जी एस टी 0.3% घटी है, जी एस टी वधी नहीं है, दावा तो 22% वधे का कर दिता गया सीगा पर जी एस टी घटी है 0.3% जी एस टी घटी है। स्टैंप ड्यूटी 0.2% घटी है, जमीनी आमदन 17% घटी है, यानी कि जिहड़ियां रजिस्ट्रियां होंदियां ने उहदा काम ठप पिया है, जिसके कारण 17% एक डाउनफॉल है, वड्डा डाउनफॉल है जिहड़ा वह गिरिया, 17% जमीनी आमदन तो आमदन जिहड़ी है वह घटी है। पेट्रोल तो मालिया घटिया 15% मालिया, पेट्रोल का मतलब होंदा कि फ्यूल हर तरह का, डीजल भी जिस दे विच आ जांदा है, जिस दे विच CNG भी आ जाती है, जिस दे विच पेट्रोल भी आ जाता है, उत्थों भी 15% है जिहड़ी आमदन घट हुई है। शराब जिहड़ा कि वार वार दावा किया जाता सीगा कि नवीं एक्साइज पॉलिसी लैके आए हैं जी, बहुत पैसा कमा लिया नवीं एक्साइज पॉलिसी दे विचों, थोनू सुन के हैरानगी होएगी, सिर्फ तो 0.2% का वाधा होया, 0.2%, यानी कि पूरा 1% भी वाधा नहीं होया, 0.2% का वाधा होया। नॉन टैक्स रेवन्यू दे विच जरूर वाधा होया जिहड़ा कि 15% है। एक कैग की रिपोर्ट है जिहड़ी कि दावे करती है कि आमदन कित्थे वधी है ते तुहाडी कित्थे घटी है। हुण वड्डा खुलासा एक होर करती है कैग की रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट ने जो दावा किया
उस तुहानू सुन के हैरानगी होगी उस दावे विच। कैग की रिपोर्ट कहती कि अप्रैल तो लैके सितंबर यानी कि यह नवी सरकार ने कर्जा किन्ना लिया मार्केट के विचों कर्जा किन्ना चुकया यह सुन लो। अप्रैल तो लैके सितंबर विचाले कुल 11,464.68 करोड़ रुपए का कर्जा जिहड़ा मौजूदा पंजाब सरकार ने चुकया यानी कि आ 6-7 महीनों 11,464.68 करोड़ रुपए जिहड़ा कि दावा पिछलियां सरकारां नूं इह कीता जांदा सी कि कर्जा ही करके हुण महीनावारी भी उन्होंने दस्सिया कैग की रिपोर्ट के अहम खुलासे ने अप्रैल के इन्होंने ले 419 करोड़ रुपए मई के विचले 2,447.54 करोड़ रुपए जुलाई के विचले 3,385.41 करोड़ रुपए अगस्त के विचले 1,466.62 करोड़ रुपए और सितंबर लंघे हफ्ते लंघे महीने के 5,875.70 करोड़ रुपये इन्हों वालों ले गए हैं जोड़े कि एक मोटी रकम बनती है। हुण तुहानू सुन के एक होर हैरानगी होएगी गल करज़ियां दी ही खत्म हो जाती व्याज कितना दिता गया जिहड़े दावे किए जाते हैं कि असी कर्जा मोड़ दिता कर्जा नहीं व्याज मुड़िया 6 महीनों के 7,803 करोड़ रुपए का सिर्फ व्याज गया। अप्रैल 914 करोड़ मई 737 करोड़ जून 1,354 करोड़ जुलाई 1,165 करोड़ अगस्त 1,310 करोड़ तो सितंबर 2,321 करोड़ रुपए का व्याज है जिहड़ा वह सिर्फ दिता गया। ये खुलासे जिहड़े ने कैग की रिपोर्ट के होए ने जिहड़े कि बिल्कुल ही उल्ट नज़र आते हैं जिहड़े सरकार के दावे से। सरकार ने दावा किया GST दे विच मालिया वध्या 22% का दावा कर दिता गया। सरकार ने दावा किया कि साड़ी एक्साइज पॉलिसी बहुत वधिया उत्थों मोटी रकम आ रही है पर जो कैग दावा कर रही है वह बिल्कुल अलग है। जो साडे फाइनैंस मिनिस्टर हैं हरपाल सिंह चीमा उन्होंने वालों की कहा गया सीगा वह भी तुहानू दिखा दिंदे आ स्टेटमेंट की उन्होंने दित्ती सी और जो दावे उन्होंने GST कलैक्शन दे कीते सीगे वह की कहिंदे ने वह भी साडे कोल आंकड़े ने। उन्होंने बकायदा ट्वीट करके इसका दावा किया सीगा उन्होंने पूरा यह दस्या कि अप्रैल दे विच किन्ना मई दे विच किन्ना जून दे विच किन्ना जुलाई दे विच किन्ना उन्होंने ग्रोथ दसी सी कि किन्नी ग्रोथ हुई है। टोटल जिहड़ी ग्रोथ उन्होंने दसी सी कि जिहड़ी साढ़े इन्हां टनियोर दी हुई है 6 महीने की 22.59% जिहड़ी है वह ग्रोथ उन्होंने दसी सी 22.59% महीना वाइज कैटेगरी करके उन्होंने ग्रोथ दसी सी कि किन्नी किन्नी GST दे विच मालिए दी ग्रोथ हुई है। दावा किया जा रहा है कि 10,000 करोड़ रुपए तो पार हो गया GST का मालिया जबकि कैग की रिपोर्ट कहती है 0.2% जिहड़ी है वह सिर्फ एक्साइज पॉलिसी वधी है बाकी सारे घाटे वल गए हैं। हालांकि यह भी दावा किया गया कैग की रिपोर्ट कि केंद्रीय टैक्सेस ने जोड़े केंद्र तो टैक्सेस जोड़े मिलते हैं उन्होंने वाधा जरूर होया। सा खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरे मुद्दे पर गलबात करने लिए क्योंकि यह मुद्दा पंजाब के जुड़ा है पंजाब की स्थिति किदां दी रहण वाली है फाइनैंशियल आने वाले समय के स्थिति रहण वाली है जो ग्रंटियां पूरियां करनियां पैनियां ने तो स्थिति किवें दी होएगी इस करके डिबेट बनती है। अर्शदीप कलेर साहब साडे नाल जुड़े हुए हैं अर्शदीप सिंह कलेर साहब बुला रहे श्रोमणी अकाली दल दे टीना चौधरी जी बुला रहे पंजाब कांग्रेस से जयबंत सिंह जी बुला रहे पंजाब BJP दे और AC वैद साहब प्रोफेसर AC वैद साहब अर्थशास्त्री ने मशहूर अर्थशास्त्री बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। क्योंकि पोलीटल पार्टियां ने तो यह कहना ही कहना होंगे क्योंकि जो सत्ताधारी धिर दावा करती सी तो पोलीटल पार्टियां कहदियां सी कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो उदो सत्ताधारी धिर कहते कि देखो विरोधी पार्टियां ने सिर्फ विरोध के लिए ही विरोध करना होंगे पर आंकड़े हूँ झूठ नहीं बोलते आंकड़े सब कुछ सच्चाई बयान कर रहे हैं। पोलीटल पार्टियां तो रिएक्शन मैं बाद चलाँगा पहले शुरुआत मैं AC वैद साहब तो जरूर करांगा कि जिवें तुसीं जानते हो आम आदमी पार्टी की कुर्सी तुहानूं खाली दिखाई दे रही है इस मुद्दे ते भी आम आदमी पार्टी ने कुछ भी कहण तों इनकार कर दिता नॉट ईवन अ सिंगल ट्वीट तक किया गया कि हाँ जी कैग की रिपोर्ट ते तुहाडा जवाब की है। AC वैद साहब मैं थोड़े तो जानना चाहना सब तो पहला क्योंकि ये थोड़ी जी टैक्नीकल चीज़ भी हैगी है फाइनैशियल चीज़ भी हैगी है ये शायद मेरे वर्गे ले मैं समझ ना आए पर मैं थोड़े जरिए समझना चाहना पोलीटिकल पार्टियां तो इतों तक भी कह सकते हैं कि देखो जी कैग की रिपोर्ट के भी हेराफेरी हो सकती है हो सकता कोई टैंपरिंग हुई हो क्योंकि केंद्र सरकार के हाथों के सब कुछ हैगा हो सकता केंद्र सरकार ने कुछ कैग की रिपोर्ट के हेरफेर कर दी हो थोड़ा जहा मैं समझाओगे कि कैग की रिपोर्ट की होंगी है और कि पारदर्शिता वाली होंगी है। सारी इकोनॉमी का डाटा ही झूठ है जी फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है वो जो बोलते हैं वो गलत है। अगर वो कैग बेस्ड है देखो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जी इट इज ऑटोनमस बॉडी जी और वो किसी का कोई लिहाज नहीं करते कोई गवर्न नहीं होंगे किसी गवर्नमेंट नाल ठीक है उन्होंने तो ऑडिट करना है
और अकाउंट्स देने ने और वो जो किसी का लिहाज नहीं करते तो पहला तो यह बेसलैस है कहना कि भाई उन्होंने मैनिपुलेशन की होगी उन्होंने कोई इंटरस्ट नहीं होता जी मैनिपुलेशन करन दा मैनिपुलेशन कर दिया ने पॉलिटिकल पार्टीज जी 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 फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं 22% जी एस टी वध्या ते जिहड़ी कैग की रिपोर्ट कहती है कि जी एस टी घटिया इन्ना इन्ना फर्क किवें आ गया इस सारी जिहड़ी इंटरनल हैगलिंग है डाटे नाल जी ए क्योंकि ये सोचते ने जिहड़े पोलिटिकल लीडर्स ने आई एम सॉरी मैं किसी पार्टी बारे नहीं कह रहा जी 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 मैं पोलिटिकल लीडर्स बारे कह रहा जिहड़ियां सरकारां ने उन्हां बारे कह रहा कि इन्हां जिन्हां मैनिपुलेशन करन दी आदत पै गई है वह सोचते कौन वेरीफाई करूगा पर इन्हां नूं इह नहीं पता कि लोग पढ़ते ने लोग डेली न्यूज पढ़ते हैं डेली सुनते हैं एनालिसिस सुनते हैं हुण तां इन्ने चैनल्स आ गए ने इन्नियां कमेंट्रीज आउंदियां ने जी 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 कि डाटा छपाना बड़ा औखा है बड़ा औखा है बिल्कुल आ बड़ा क्लीयरली भी गल कर रहे सी हुण कि सीए जी ने तां कोई लिहाज नहीं कीता उहने मंथ वाइज दसदा अप्रैल तो लैके सितंबर तक 11,440 रुपये करजा मार्केट तो चक्या जी बिल्कुल सिर्फ मार्केट की गल कर रहा फिर वो कहिंदा 7,803 रुपये 3 करोड़ रुपये व्याज वरों दिते गए ने वो इंटरेस्ट पे किया गया हुण तुसी हिसाब लगा लो बिल्कुल ठीक है अच्छा इसी वैद साहब एक सवाल का जवाब फिर मैं अगे पोलीटल पार्टियों तो भी रिएक्शन ले ला यकीनन तौर पर अजिहियां कैग की रिपोर्ट्स देखते रहते हो यह कैग की रिपोर्ट किसी सूबे के लिए हैल्दी रिपोर्ट है या नहीं है जिस थोड़ा जी एस टी घट रहा है जिस थोड़ा स्टैंप ड्यूटी घट रही है जिस जमीनी आमदन घट रही है जिस पेट्रोल तो आमदन घट रही है कि यह एक हैल्दी रिपोर्ट हैगी किसी सूबे अलार्म है पंजाब में कंट्रोवर्सी ना पै गए They should put their head down and work for the welfare of Punjab. इन्हनु सारे नु रिवर्स करना पड़ना डाटा ता ये कुछ क्लेम कर सकनगे नहीं तो गल छुपिया नहीं अजक रेंदिया प्लीज फॉर गॉड सेक माड़ा हाल नहीं किया कह सकते हो पर उल्टा यह कहो कि असी 6-7 महीनों पूरी दशा ही बदलती तो कंपेरिजन कर लग जाओ कि 70 साल जो नहीं होया 7 महीने कर दिता फिर ये तो आंकड़े जड़े ने वो थोड़े लिए बहुत गंभीरता वाले ने यह तो देखना पैना और चंगी गल हो कि कल तुम कैग की रिपोर्ट भी है जी इश्तहारों के दे दौ अखबारों के व्डे इश्तहार करके क्या है जी कैग की रिपोर्ट जी सारी सच्चाई बयान कर रही है फिर तो मनीए कि वाकई तुम पंजाब के लिए सुहिरद है हो तुम दुध का दुध से पानी का पानी करना चाहते सरकार की हिम्मत हैगी है जी तो इनू कॉन्ट्राडिक्ट करे हाँ पब्लिक नोटिस दे के इनू कंडेम करे रिवर्स करे के गलत है चलो चलो मैं एक ही करके करे। हाँ जी जयवंत सिंह जी और तो रिएक्शन ले लेना जयवंत सिंह करना हाँ जी जयवंत सिंह जी आ जी कैग की रिपोर्ट आई है तो इस तो पहला जड़िया स्टेटमेंट्स आदि रही ने जोड़े इश्तहार छपते रहे हैं वो इश्तहार वो स्टेटमेंटा कुछ होर बयान कर दया कैग की रिपोर्ट कुछ होर बयान कर रही है मैं जोड़ा एलीगेशन थोड़ी पार्टी से लग सकता सो मैं पहले ही डॉक्टर ए सी वैद साहब तो क्लीयर करा लिया कि कैग किसी का लिहाज नहीं करती ना ही किसी के थले काम करती है इस करके इस पोलिटिकल इंटरफेरेंस है इस रिपोर्ट को बढ़ाने गलत सिरे तो खारिज हो जाती है पर दूजा सवाल यह खड़ा जरूर होंगे कि तो बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन दस रहे हैं मैं पिछले वार भी आंकड़े कड़े ने हालांकि कांग्रेस सरकार भी सी उदों भी इन्नी माड़ी दशा दिशा नहीं सी जो इस बार देखने को मिल रही है मतलब थोड़ा जी एस टी भी घट रहा जी एस टी भी उदों घट रहा जो लोगों ने हुण बाजार दे विच आके शॉपिंग शुरू कर दी है उदों जो लॉकडाउन सी उदों भी इन्नी माड़े हालात नहीं सी
थैंक यू हरप्रीत जी। पहली गल तो मैं ता बहुत धनवादी हाँ पी टी सी का कि उन्होंने इस गल ना छेड़िया है। मैं देख रहा सी कि पी टी सी के वालों वैब के भी ये काफ़ी बड़ा आर्टिकल है तो हूँ भी तुम बहुत वैल प्रिपेयर आके बड़ी इंपोर्टेंट डिबेट च बैठे हो। वैद साहब ने बिल्कुल सही किया, मैं याद है कि जो असि फौज चे तो जो मैं आर्मी हैडक्वाटर से सारे ही कैग की रिपोर्ट को बहुत डरते थे कि भी जे ये आ जाएगी तो पता नहीं की हो जाएगा तो की कुछ सानू ठीक करना पेगा। तो अगर हिंदुस्तान की फौज एडा डरती है उस ऑटोनोमस बॉडी को अपने आप दायरे में रखती है कि असि सब कुछ ठीक करिए, स्टेट गवर्नमेंट का तुम हाल देखो की होगा। सो देर इज नो डाउट अबाउट इट कि कैग कैग कभी भी इंडिया दे विच कैग किसी दे थले नहीं आई ते कैग दे उत्ते कभी भी कोई प्रेशर नहीं होया। हुण ए जिहड़े आंकड़े ने ना थोड़ा बहुत इकनोमिक्स मैं भी जानना हरप्रीत जी, एक्चुअली जो कैग ने किया है ये होना ही एदां सीगा। अगर तुसी ओवरऑल इकोनमी पूरी वर्ल्ड की इकोनमी देखो तो एक ऐसे हालात हैगे ने जिन्हां दे विच यू नो लॉस ऑफ रेवेन्यू इनक्रीज ऑफ इनफ्लेशन जो कि इंडिया दे विच ते बहुत घट है, बाकी जेडे यूरोपियन नेशन्स ते अमेरिका वगैरह दे विच बहुत ज्यादा हो रही है ते साडे उत्ते भी स्पिल ओवर इफेक्ट हैगा। ते इस इफेक्ट दे विच एक अच्छी गवर्नमेंट की करेगी, एक अच्छी गवर्नमेंट ओ होएगी जेडी कि अपने लोकां नूं सच्चाई दस दे, सच्चाई दस दे कि देखो साडे हाथ च चीज नहीं है, सानू सारयां नूं रल मिल के थोड़ा अपने आप नूं टाइट करना पएगा, गवर्नमेंट दे हाथ तुसीं मजबूत करो। पर इत्थे उल्टा हो रहा है। उल्टा क्यों हो रहा है? ओ पंजाब वास्ते नहीं हो रहा, ये एडवर्टाइजमेंट सारियां हैगियां ने फॉर द कमिंग इलेक्शंस। सो सानू ए संताप जिहड़ा है ए उदों तक सानू बेयर करना पएगा जदों तक वो तीन स्टेट्स दे विच इलेक्शन नहीं हो जांदी, गुजरात हरियाणा ते हिमाचल। ए पंजाब नू संताप जिहड़ा है ए बेयर करना पएगा, ए झूठ भी बेयर करना पएगा। उदों तक पंजाब दा किन्ना क नुकसान हो जाएगा ए सोच के मैं बहुत शडर कर रहा। एक गल होर जयबान सिंह जी, चलो एक सवाल मैं थोड़े तों लैणा फिर बाकियों तों भी लैणा। थोनू नहीं लगता कि जिहड़ियां पोलिटिकल पार्टियां हुंदियां ने जदों तुसीं सत्ता दे विच नहीं हो, एक पोलिटिकल लीडर जो तुसी कोई बयान देंदे हो, चलो वो थोड़ा बयान दे विच कुछ हेर फेर भी तुसी कर लैंदे हो, दो गल्लां अपने कोलों जोड़ लैंदे हो, पर जदों तुसी एक फाइनेंस मिनिस्टर होवो, थोड़े दे उत्ते सूबे का कार्यभार होवे, जदों तुसी मीडिया नूं ब्रीफ कर रहे होवो तां तां घट्टो घट्ट आंकड़िया का लिहाज करना चाहिए कि जो तथ्य ने जो सच है उही असी मीडिया के सामने रखिए। बिल्कुल सही है हरप्रीत जी, ओ ही मैं कह रहा कि सच दसना इस वेले बहुत इंपॉर्टेंट है, पर सच ए इस वास्ते नहीं दस सकते क्योंकि इन्होंने पंजाब के सिर के उत्ते प्रोपोगंडा करना, एक इनफॉरमेशन वॉरफेयर करनी है, बाकी तीन स्टेट्स दे विच जिथे इलेक्शन हैगी है ओ इन्हां दी पार्टी दी इन्हां दे उत्ते एक डिक्टेट हैगा इन्हां दे कन्वीनर केजरीवाल साहब दा, ओहदे कारण ये सारे झूठ बोले जा रहे ने। कांग्रेस ना श्रोमणी अकाली दल ते ना ही बीजेपी कुछ ऐसा कहती है जिहड़ा कि गवर्नमेंट की इज्जत के खिलाफ होए, असीं ते इन्हां नूं सिर्फ सलामां ही दिंदे रहिंदे आ क्योंकि सानूं पता है कि बहुत बहुमत दे नाल आए ने, असीं इन्हां नूं दो तीन दिनां दे विच गिराउण दा किसी नूं मतलब नहीं है, असीं यही चाहुंदे आ कि पंजाब अगे वधे ते काम करन, पर अनफॉर्चुनेटली इह गवर्नमेंट काम करन नूं तैयार ही नहीं है जिहदे कारण कि सानूं बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो मैं एक मिनट आया वापस, टीना चौधरी जी तो एक रिएक्शन ला फिर मैं क्लेयर साहब को जाना। जी मैं एक मिनट आया जयबान सिंह जी, मैनूं याद है चंगी तरह तुसीं चलो गल छेड़ ली है तां जदों कांग्रेस सरकार का आखिरी बजट आना सीगा जदों पिछली सरकार का, उदों आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लीडर जिहड़े ने इस डिबेट दे विच शामिल सीगे, उदों मतां दिंदे सीगे कि देखो जी कांग्रेस नूं आ करना चाहिए स्टेट नूं सही तरीके नाल लैण लई, देखो जी करज़ां दे विच डबो दिता कांग्रेस ते अकाली दल ने पूरी तरह, 50 सालां दे विच इन्ना करज़ा लै लिया इन्ना करज़ा लै लिया, साडी सरकार जदों सत्ता दे विच आई असीं करज़ा लवांगे नहीं, पहली उह सरकार होएगी जिहड़ी करज़ा वापस करेगी, ते 11,464 करोड़ रुपया 6 महीने दे विच मार्केट तो चुक्या गया, एक कैग दी रिपोर्ट कह रही है, कोई पोलिटिकल पार्टी नहीं कह रही। टीना चौधरी जी की रिएक्शन है थोड़ा एक कैग दी रिपोर्ट दे उत्ते, क्योंकि ये लोगों दे विच एक भंबल भूसा जरूर हैगा कि कैग दी रिपोर्ट ठीक है या साडे फाइनेंस मिनिस्टर या साडे मुख्यमंत्री साहब जो कह रहे हैं कि ऑल इज़ वैल स्टेट बिल्कुल ठीक चल रहा है कोई घबराने की लोड़ नहीं, पर कैग तो कह रही है कि स्टेट डुब रहा है।
देखो ये कोई दो राय नहीं है कि जदों की आम आदमी पार्टी पंजाब दे विच सरकार बना के बैठी है ये जिन्नी वारी भी किसी भी सैगमेंट दे विच पॉलिसी लैके आ रहे ने हर पासों फटकार खांदे हुए नजर आ रहे ने। सब तो पहला जिहड़े इन्हां दे मंत्री ने यह स्टेटमेंट देन तो थोड़ा जा भी करेज नहीं करते कि असीं पंजाब दे किसी मिनिस्ट्री लैवल ते बैठे हाँ असीं किहड़ी सोच समझ के स्टेटमेंट देनी है देनी चाहीदी है या नहीं देनी चाहीदी कुछ भी बोली जाणगे कि पंजाब नूं लगे कि हाँ जी आने वाले समय दे विच जिहड़े बाकी स्टेटा दे विच इलेक्शन हो रहे ना असीं झूठ बोली जाइए और ये झूठ कित्थों बुलवाया जा रहा है दिल्ली वालों केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया जी सारियां प्लानिंगां करके इन्हां नूं झूठे बयान देने वास्ते मजबूर कर रहे हैं चाहे वह माइनिंग पॉलिसी हो एक्साइज पॉलिसी होए ते हुण रीसेंटली इन्होंने हरपाल चीमा जी नूं भी इस केस दे विच रगड़ दिता। पहले केस दे विच जदों इन्हां ने लोटस ऑपरेशन करना सीगा उदों भी हरपाल चीमा तो गलत स्टेटमेंटां दवाईआं कि एक मिनिस्टर होके रिक्वेस्ट कर रहा है जी डीजीपी नूं कि FIR दर्ज करानी है जी तुसीं मौके दी सरकार हो तुसीं अपने कोल बुला के उसे कार्रवाई करवा के दो तीन दिन के बंद अगे फड़ के लिया जिन्होंने तुम अप्रोच की है हूँ यह दूसरी बार इन्हों तो फिर ऐसे कांड करवाई जा रहे हैं पागल बनाई जाओ बेवकूफ बनाया लोग गाला इन्हों कड़न दिल्ली वाले तो यही चाहते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार हूँ हरपाल चीमा जी ने जो इतने स्टेटमेंट दी है कि सामने जाहिर हो रहा कि गुजरात और हिमाचल च पता लगे देखो असी इन्नी करप्शन खत्म करती केजरीवाल जी ने तो अपन स्टेटमेंटा दिखाई सी मैं तो करप्शन बंद करा के इतने पंजाब के खजाने के पैसा रखागा मैं दसो अज करप्शन कितने खत्म हुई है और इनफैक्ट जी इन्होंने पॉलिसियां बनाई हाई मानयोग हाई कोर्ट तो फटकार खा के चार वारी तीन वारी नहीं चार वारी फटकार खा खा के और डिपार्टमेंट नूं जिहड़े अपने एक्ट दे वायलेशन करदे हुए जिहड़े नजर आ रहे ने इन्हां नूं कोई परवाह ही नहीं है ये कहिंदे आ कि असीं अपनी सरकार अपने तरीके नाल चलानी है सानूं कोई लेना देना नहीं है। और रही गल इन्हां दे बाकी जिहड़े बकाया देण दी हुण रीसेंटली NGT ने पंजाब सरकार नूं इन्ना वड्डा जुर्माना 2000 करोड़ का जुर्माना लगाया उहदे विच वी हुण स्टेटमेंट आ गई है कि इन्हां नूं 2 महीने का टाइम दिता गया सी हुण कहिंदे असीं इंस्टॉलमेंटां दे विच पे करांगे असीं ते जिहड़ा करजा हैगा कोई गल नहीं कोई जुर्माना पै भी गया तो असीं मिंटां दे विच पे कर देंगे कित्थों पैसा लैणा सी एक्साइज चो माइनिंग पॉलिसी चो दुनिया की पहली ऐसी पॉलिसी आएगी जिदे विच पहली बारी पंजाब सरकार जिहड़ी हैगी है प्रूव करके दसेगी कि किस तरीके दे नाल लीगल तरीके दे नाल काम हुंदा हुण अज की बनिया 50,000 तो उत्ते ज्यादा पंजाब दे विच लोग बेरोजगारी दे ढाते उतर आए ने सिर्फ इन्हां दीआं पॉलिसियां करके। बिल्कुल ठीक है दो असीं स्क्रीन दे विच ओह तुसीं देख भी रहे हो ट्विटर ट्वीट दिखा रहे हां लोगों जिस दे विच अरविंद केजरीवाल ते हरपाल चीमा दोवां दा ट्वीट है कि साल 2016 तो बाद पहली वारी होया पंजाब दे विच GST की आमदन दे विच इन्ना वड्डा वाधा होया 22% का वाधा जिहड़ा आमदन दे विच होया ते कह कहिंदा कि वाधा नहीं होया घाटा दर्ज किया गया GST दे विच 3% की कमी आई है। टीना चौधरी जी वार वार थोड़ी सरकार का हवाला देंदे ने कि यह कांग्रेस सरकार कंडे बीज के गई है ते सानू चुगने पै रहे तो फिर क्यों झूठे वादे पंजाब दे विच कीते सीगे कि आंदे तिना महीनों दे विच सारा कर्जा जिहड़ा हैगा असीं सारी करप्शन खत्म करनी शुरू कर देंगे क्यों हिमाचल दे विच जाके कह रहे ने कि 10 दिन दे अंदर असीं पंजाब दे विच करप्शन मुक्त पंजाब कर दिता अज करप्शन पहले नालों भी 20 और 30 गुना ज्यादा हो गई है क्योंकि इन्हां कोल एडमिनिस्ट्रेशन संभाली नहीं जा रही संगठन ही नहीं हैगा पार्टी का ते किस तरह काम चलेगा बड़ा कुछ पढ़िया बड़ा बयान भी दिते ने एक्साइज पॉलिसी जिद बारे बड़ा टिंडोरा पिटिया गया कि देखो जी 25 तो 30% मालिया वाधू कमावांगे इस नवी एक्साइज पॉलिसी दे नाल असी इन्ना वड्डा एक रेवन्यू जनरेट करांगे। दूजा दावा यह किया गया सीगा कि साडियां जिहड़ियां आबकारी नीतियां तो अलावा होर जिहड़ियां नीतियां उतों भी पैसा आऊगा GST 22% वधूगा ये जिहड़े अंकड़े ने अंकड़े कहिंदे ने कि GST दे विच 3% कमी आई है तो वह आबकारी नीति जिस दे विच 25% का दावा किया गया सीगा 0.02% का वादा किया गया ये थोड़ा लगता है कि कितने कमजोरियां रह गई हैं कि ये जिहड़ियां पॉलिसीज ने वो ठीक नहीं बनिया या नीति ते नीयत दे विच फर्क सी। हरप्रीत जी अरविंद केजरीवाल का इको ही फलसफा है वो इको गल कहता कि जे गल्लां दा ही कड़ा बनाउणा फिर मिठा क्यों घट पाउणा ये उही मिठा है तुसीं देखो ना चोणां तों पहलां अरविंद केजरीवाल पंजाब दे विच आके कहिंदे सी कि जी 50,000 करोड़ दा पहले दिन मेरी जेब दे विच है और तुसीं पंजाब दे हालात देखो कि 6 महीनों दे विच
50,000 करोड़ की कमाई तो की करनी सी, 12,000 करोड़ का कर्जा यह निकम्मी सरकार ने लिया। और उस तो बाद हम जो हरपाल चीमा जी ने देखो जेई जी कोको वो बच्चे अगर इन्हों का मुखी एडे वे वे झूठ बोल सकता है, पर एक झूठ खड़े होकर उन्होंने भी बोलता क्योंकि चोड़ा ने हिमाचल च गुजरात च, और मैं थोड़ा दावेदार कह सकता कि इन्ने इमेच्योर लोग ने इन्नी इमेच्योर सरकार है इन्होंने एक कैद का तो पता ही नहीं होना कि साडा झूठ कैद ने नंगे कर देना है। ये तो सोचने कि असी सरकार च बैठे हाँ जो असी कहता फाइनल अथॉरिटी है लोगों का बेवकूफ बनाओ 420 करो, और अच्छे हालात ये बन गए ने कि जेडे मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट हरपाल चीमा ने की है ओदे नाल मैनू लगता है कि उन्होंने रिजाइन कर देना चाहिए क्योंकि पंजाब की पिट के विच होना है। और तुसी फर्क देखो किड्डा वड्डा आ रहा है, एक पासे साडे फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि जी 22.6% जीएसटी इनक्रीज, कैक कह रहे हैं कि 3% डाउन चलेगी, प्रॉपर्टी टैक्स डाउन चला गया, पेट्रोल टैक्स डाउन चला गया, स्टैंप ड्यूटी डाउन चलेगी, और जिहड़ी एक्साइज पॉलिसी दी आपां गल करदे आ जिहदे बहुत वड्डे वड्डे दावे कीते सी हरप्रीत जी बिल्कुल स्पष्ट सी कि पंजाब दे विच मोनोपोली क्रिएट कीती गई सी, अगे 70 तो 80 एल्बम हुंदे सी, एक जिले दे विच दो दो एल्बम हुंदे सी, इन्हां ने दिल्ली दीआं केजरीवाल दीआं दो चहेतियां कंपनियां एक ब्रिटको एक मेहरा वाइंस पंजाब दे विच लियांदियां, सारा पंजाब उन्हां नूं सौंपिया और उहदे नतीजे सामने ने कि जिहड़ी इह एक्साइज पॉलिसी नूं बहुत प्रचार दे सी अज उहदे विच सिर्फ कुछ 0.2% पंजाब नूं फायदा होया। अरविंद केजरीवाल की राजनीति चौंकानी इतनी जरूरी हो गई है कि पंजाब नूं कर्जे दे बोझ च डुबो के अच्छा कलेर साहब एक छोटा जा सवाल फिर मैं वैद साहब कोल भी जावांगा, एक छोटा जा सवाल जिथे जिथे मालिया कटिया इहदा कारण तुहानू की नज़र आंदा है? ये तो है नहीं है कि कोई भी सरकार नहीं चाहती हुंदी कि उस स्टेट का मालिया कटे, सरकार हमेशा चाहती हुंदी है कि मालिया वधे, पर जिथे जिन्हां जिन्हां थावां ते स्टैंप ड्यूटी दे विच जीएसटी दे विच पेट्रोल तो आमदन दे विच जमीनी आमदन दे विच इत्थों आमदन घटी क्यों है? कितने टैक्स चोरी हो रहा, सुहिरदता की कमी नज़र आ रही है, ब्यूरोक्रेसी की कमी नज़र आ रही है, या लगता है कि ओवरऑल सरकार को यह टाइटन करनी चाहिए चीज़ा? हरप्रीत जी सरकार की कमांड ही है नहीं क्योंकि पता ही नहीं सरकार चला कौन रहा, भगवंत मान मुख्यमंत्री ने राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल है, सो जिहड़ा कंट्रोल सरकार का ब्यूरोक्रेसी के उत्ते खत्म होता जा रहा है, और जिहड़ियां माड़ियां पॉलिसियां बनाई जा रही ने और जिहड़ियां दिल्ली बह के पंजाब प्रति क्योंकि दिल्ली नूं पंजाब की समझ नहीं, ये जिहड़े उत्ते मनीष सिसोदिया के घरे बह के पॉलिसियां बनाते हैं और वह पंजाब के विच इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और नतीजे सामने ने, इसका हमेशा क्या है कि अरविंद केजरीवाल का एक फेल दिल्ली मॉडल है जिहड़ा पंजाब के उत्ते थोपिया जा रहा, उन्होंने नतीजे हुण साडे सारयां दे सामने ने कि किस तरीके नाल पंजाब नूं इन्होंने एक नवी बर्बादी के वल धक्क दिता है जिथों बाहर आना क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर त्रस्त है, नशा बेकाबू हो रहा पंजाब दे विच, और हुण तुसीं इह वी देख लिया कि साडे जिहड़ा स्टेट की आमदनी है इस पूरी रिपोर्ट नूं पढ़न तो बाद एक गल होर सामने आती है, जो आंकलन किया जाता सरकार के दावे के नाल, सरकार ने जिहड़ा कर्जा लिया उसनों भी अपनी आमदन दे विच गिण लिया, अजिहा कदे हुंदा कि जो तुसी कोई कर्जा लो उसनों तुसी आमदन दे विच गिण लो, उन्होंने आमदन च गिण के अपनी परसेंटेज बना लिया कि देखो एड्डी आमदन असी कर ली कट्ठी, ये गलत है, ये गलत है, ये बिफूलिंग ऑफ पब्लिक है, पब्लिक नूं बेवकूफ बनाने वाली गल है, दिस इज नॉट फेयर, किसी गवर्नमेंट वालों भी ऐसा स्टैप अनफेयर है, अनफेयर,
और ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਫਿਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੀ ਵੈਸਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਟ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੁਕੀ ਜਾਏਗੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਬੇਸਡ ਔਨ ਫੈਕਟਸ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਨੀਚੇ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਮਦਨ ਸੇਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਟਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਲ ਫ੍ਰਿਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਡਵਿੰਡਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਤੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾ ਵਧੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘਟੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਕੋਨਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕੋਨਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿਉਂ ਘਟਿਆ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਘਟੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਦੋਂ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ 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 ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਫੀਸਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ 5-7% ਤਾਂ ਐਡਮਿਸੀਬਲ ਹੈ ਅਲਾਊਡ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਗਲਤ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸਡ ਫੈਕਟਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟ ਜੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਲੇਕਿਨ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਫਾਰ ਐਨੀ ਇਕੋਨਮੀ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਖਪਤ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜਾਂ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀ ਖਪਤ ਤਾਂ ਘਟੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਫਿਰ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਗਈ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਇਆ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂਪਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਔਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਬਲੇਮ
बेकाबल है जिहड़ी सानू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी और करप्ट प्रैक्टिसेस बाय द ऑफिशियल्स ਇਹੋ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਲੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਐਨਓਸੀ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਠੱਪ ਰੱਖੋਗੇ ਫਿਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਬਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਬਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਆਰਟੀਆਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੈਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਰਿਹਾ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਕ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਕ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਵਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੱਲ ਸੋ ਲੈਕ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੈਕ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ JNK ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੋਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਦਵਾ ਦਿਓ ਸੋ ਇਹ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਮਾਓ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੂ ਪੇਜ ਫੋਰ ਦੀਜ਼ ਐਡਸ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮੀਡੀਆ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਟੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਹਿਸੀਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਉਣਗੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 80% ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਲੈਕ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਡਬਲ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਜਬਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੇ ਏਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲੈਕ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਡਿਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਲੈਕ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ
कि द पीपल ऑफ पंजाब विल नॉट फॉरगिव दीस पीपल फॉर व्हाट दे आर डूइंग। इन्हां नूं अपने काम नूं बहुत सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। ये सारी कांग्रेस ते श्रोमणी अकाली दल असीं ते खैर जूनियर पार्टनर सी, उन्हां दे उत्ते इल्जाम लगाने बंद कर देन, 70-70 साल कहना बंद कर देन ते काम करना शुरू करन, बिकॉज इस वेले पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हां दे उत्ते है। ठीक है, ते साडी नीयत खराब है, साडी नीयत हांजी ठीक है, बिल्कुल मैं समझ गया थोड़ी गल। टीना चौधरी जी, पंजाबियां दी नीयत खराब है सिर्फ इहो ही मौजूदा दुनिया दे मौजूदा सरकार कहती है कि देखो जिहड़ियां पिछलियां सरकारां ने वो कर्जे दियां पंडा साडे ते सुट के गईयां ने, जे असी सरकार चलानी है तो सानू कर्जा लेना पेगा। इसे करके 11,464.68 करोड़ का कर्जा पिछले 6 महीने दे विच लिया गया है। मजबूरी है सरकार की, जे सरकार चलानी है, जे सूबा चलाना है तो वह कहते हैं कि सानू कर्जा लेना पेगा। थोनू लगता है कि वो सरकार वो पार्टी जिहड़ी लगातार ये कह के भंडदी रही पिछलियां पार्टियां ते सरकारां नू कि कर्जियां दी पंडा जिहड़ियां ने वो भारी कर कर दियां ने सूबे दे उत्ते, तां घट्टो घट सानू गुरेज़ जरूर करना चाहिए सीगा, मौजूदा पार्टी नू गुरेज़ करना चाहिए सीगा कि अजिहा कर्जा ना लिया जांदा जिहड़ा मुड़ के उतर ही ना सके। करोड़ां रुपया दा तुहानू व्याज देना पै रहा, 7803 करोड़ रुपए का व्याज दिता गया। चाहे पंजाब दे विच कर्जा चढ़िया होए, चाहे सानू पंजाब नू सेंटर गवर्नमेंट वालों कोई सपोर्ट ना आए होए, पर ऐसे इन्ने पद्दे हालात, इन्ने कर्जे ते होण दे बावजूद भी इन्ने माड़े हालात पंजाब दे कदी नहीं बने, जड़े हुण बन रहे ने। रीजन बिहाइंड कि जदों भी किसी पंजाब दे विच कोई एडमिनिस्ट्रेशन दी मैनेजमेंट कीती जांदी है, हजे वो जिहड़ा ऑफिसर हैगा जिला आके संभालदा ही है, ते ओनू अगले दिन ही ओनू बदली कर दित्ती जांदी है किसी होर जिले दे विच, क्योंकि इन्हां तों ये डिपार्टमेंट दी एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं बेसिक संभाली जा रही। और रही गल इन्होंने खास तौर पर यह किया सीगा, हुण इह जाण बुझ के झूठ बोल रहे ने, इन्होंने कहा सीगा केजरीवाल जी ने कि असी 6 महीनों के अंदर जिन्नी करप्शन है वह असी बंद कर देंगे, और वह करप्शन का पैसे नाल असी खजाना भरांगे। ते पुरानियां पार्टियां नूं ते इह चैलेंज करके आए सी पंजाब दे विच, इही कह के ते पंजाब दे विच इन्हां ने इलैक्शन लड़े सीगे, और इही कहण दे नाल इन्हां ने 10 दिनों के अंदर कहता कि करप्शन असी खत्म कर दित्ती, अज 10 गुणा होर ज्यादा हो गई। पर इन्ने माड़े हालात नहीं हुए सी उस टाइम ते, रेते का रेट इन्ना कर्जा होण दे बावजूद भी रेते का रेट 5 रुपए प्रति कर दिता चन्नी सरकार ने, और अज का रेट तुसी देख लो किथे आसमान नूं छू रहा। जम्मू और हिमाचल वर्गी स्टेट तो जिहड़ा स्टॉक आ रहा है वो किस रेटा ते आ रहा है, और रस्ते दे विच किस तरह दे नाल माफिया जिहड़ा, सर प्लीज मेरी गल कंप्लीट कर लो, किस तरह दे नाल माफिया जिहड़ा पंजाब दे विच हावी हो रहा है। और हुण जदों माफिया पंजाब दे विच जदों ये माइनिंग बंद होगी या बैन करती मान्यो हाईकोर्ट वालों, तो सरकार खुद माफिया बन के काम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कमिटमेंट कर चुके सीगे विधानसभा सैशन दे विच। इन्होंने कहा सीगा कि असी 1 साल दे विच 10,000 करोड़ रुपया असी माइनिंग दे विचों लैके आवांगे, शायद वह पैसा आया हुंदा ते अज पंजाब दे विच जिन्ने सरकारी मुलाजम ने पिछले 4-4 महीने तो अपनी सैलरियां वेट कर रहे ने, ऐसे दिन ना देखने पैंदे। कदी भी नहीं इस तरह होया कि मुलाजमां दीआं सरकारी सैलरियां जिहड़ियां 4-4 महीने तो पेंडिंग चलदी, ठीक है, और ये झूठे दावे कर रहे ने। और जे 6 महीने की गल की जाए 10,000 के हिसाब नाल हुण तक इन्हां कोल 20,000 करोड़ क्या सी सॉरी, ते 20,000 के हिसाब नाल 6 महीने च 10,000 करोड़ का मुनाफा हुण तक हो जाना चाहिए सी, हजे तक 500 करोड़ नहीं इन्हां कोल कमाया। चलो ठीक है गल थोड़ी अर्शदीप क्लियर होने तो मैं ले ला, मेरे को समा घट है जी, मेरे को समा घट है, मैं अर्शदीप क्लियर होने तो भी एक रिएक्शन ले ला। क्लियर साहब, सिचुएशन बहुत गंभीर हैगी है, सिचुएशन है जिहड़ी हुण संभलण वाली हैगी है, कि थोड़े वसीले ने जिहड़े ओह वसीले लगातार घटदे जा रहे ने, वसीले जदों थोड़े घटदे रहणगे आमदन थोड़ी घटदी रहेगी, टैक्स कलैक्शन थोड़ी घटती रहेगी, खर्चे तो उत्थे ही खड़े ने, खर्चे थोड़े होर वध गए, 300 यूनिट बिजली मुफ्त का खर्चा थोड़ा वध गया, उस दे विच वाधा हो गया, तुसी जिहड़े कच्चे मुलाजम पक्के किते उहदे विच थोड़ा वाधा हो गया, खर्चियां दे विच थोड़ा वाधा हो रहा है, वसीलियां दे विच थोड़ा घाटा हो रहा है, कर्जियां दे विच वाधा हो रहा है, अजिही सिचुएशन दे विच लंबा समा तो चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਾਈਜ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪ ਬਤਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੈਡ ਕਲਾਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 4-4 ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
एक एक पेज का जो इश्तहार है जो दूजे सूबे सिर्फ केजरीवाल के चोर प्रचार करके लाया जा रहा है वो पंजाब से बोझ पै रहा है। पंजाब चो जहाज भर भर के गुजरात हिमाचल उत्थे जाके प्रचार हो रहा है वह पंजाब से बोझ पै रहा है। मंत्री दूजे सूबे जाके प्रचार कर रहे हैं वह पंजाब से बोझ पै रहा है। सो खर्चे तो सारे सरकार ने बताए हुए उदा नतीजा है कि 12,000 करोड़ का कर्जा 6 महीनों के चढ़ गया जबकि ना तो 1,000 रुपया महिलाओं ने दिता ना डिवेलपमेंट हुई ना पंजाब के विच कोई नवा इंफ्रास्ट्रक्चर ही खड़ा होया ना सोशल वेलफेयर स्कीम मिल रही ने ना मुलाजमान को तनखा मिल रही ने। सो अज सोचने की लड़ है कि भगवंत मान से भगवंत मान की कैबिनेट ने सारा जिहड़ा पंजाब है जिहड़ा साडा बचिया पुछिया रह गया वह भी कि केजरीवाल की खुशामद उलटा देना और अब बहुत दर्शयोग हालात पंजाब में उन्होंने पहुंचाता। मैं बेनती करता कि हले भी सुधर जाए नहीं पंजाबियों ने फिर माफ नहीं करना और ये चीज के जो सिटे ने वो बहुत दूरगामी होंगे और मुड़ के कंट्रोल चो बाहर चले जाए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद कलेर साहब थोड़ा भी सारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी विचार चर्चा जुड़े रहने के लिए। साडा मकसद सिर्फ यह सीगा कि लोगों तक वो सच्चाई पहुँचाई जाए जिहड़ी कैग दी रिपोर्ट दी हैगी है। कैग दी रिपोर्ट है जिहड़ी वो चिंता विच जरूर पाती है सूबे नूं और सूबे दी सरकार नूं थोड़ा जिहा सुचेत होने की जरूरत जरूर पेगी क्योंकि ये जिहड़ियां ऑडिट रिपोर्ट्स हुंदियां ने थोड़ा अगला पिछला सारा खंगाल के थोड़े सामने रख दिंदियां ने कि थोड़ी कमाई की है तो थोड़े खर्चे की ने थोनू संभलण की कित्थे जरूरत हैगी कित्थे तुसी कर्जे लेने कित्थे तुसी व्याजां भर रहे हो ता जो तुसी अपने आप नू थोड़ी अफसरशाही नू टाइट कर सको कि जिथे जिथे टैक्स की लीकेज है या चोरी है उसनू घट्टो घट्ट रोकिया जा सके ता ही जिहड़ियां तुसी गरंटियां दित्तियां ने वह सही तरीके नाल लागू हो पाणगियां। जे कन्न इधरों फड़ के उधर पा दो इस जेब चो कढ़ के उधर पा दो तो जिहड़ा कर्जा है वह तो सूबे की जनता के सिर ही रहेगा फायदा किसनू होवेगा एक वड्डा सवाल जरूर खड़ा हुंदा है। सो एक कैग की रिपोर्ट है जिहड़ी बहुत कुछ बयान कर रही है बहुत सवाल ने जिहड़े वो सरकार के सामने खड़े कर रही है। देश दुनिया के बाकी खबरों लिए बने रहो पीटीसी न्यूज़ नाल धन्यवाद।